मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस नाज पे इन पे एतराज हुआ था, शायद उस डर की वजह से ये नहीं पढ़ रहा। तो बात ये है कि पढ़ा पहले मुझे भी उस वक्त जब ये क्या कहूँ हादसा ही है, हालांकि ना तो सैयद साहब का कोई कसूर था ना मेरा, वो गलत फहमी में हो गया था। तो बात ये है कि अब पढ़ा किसी ने नहीं, हुआ यहाँ है, उसके बाद ही मकबूल हुआ है। और मैं जहां जाता हूँ फरमाइश इसी कसीदे की होती है। तो ना मैं डरने वाला हूँ, ना पहले डर हूं ना अब, क्यों हमने नौकरी करनी तो आले मोहम्मद की करनी है, ठीक है ना। कोई हमसे कहे कि ये करे ये नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं और फरीद का दीवाना हूं, और फरीद जो है वो फरूक आजम की औलाद है जी, और हम तो अहले बैत के भी नौकर, सहाबा के भी नौकर, औली अल्लाह के भी नौकर। तो मैं कसीदा पढ़ता हूँ, अलम का असल मायने है झंडा। बाजे लोग जो है ना वो कहते हैं असल मसला है कि वो तशबी की वजह से कि जी वो उधर लगा हुआ है, जबकि अलम तो है ही हजूर का, अलम तो है हजूर का, वो शियों का नहीं है या किसी और पार्टी का नहीं है। बाकी झंडे उठा के फिर पीपल पार्टी का, नून लीग का, फलाने का फलाने का, अरबी असल फारसी जुबान चो अरबी में भी इसको अलम को जो है ना वो झंडा बोलते हैं। तो असल तो हजूर ने अता किया मौला अली को, और मौला अली ने हुसैन पाक को, हुसैन पाक ने गाजी पाक को दे दी। बात तो इतनी है, है? समझने की बात है। बाकी ये हमारे काम है जो हमने आगे दे दिए हैं, ये हम सुनियों के काम, ये हमारा है सब कुछ, बस मानने की बात है। हा मौला मेरा भी घर हो गए उते रहमत की छावे, मौला मेरा भी घर हो गए उते रहमत की छावे, दरबार तेरी के आमदा चारा चारा बारा दादा हो गए, मौला मेरा भी घर हो गए उते रहमत की छावे। मेरे को मेरे भाई भाई खालद हाँ, और इन्होंने भी पता है असं टन टन सुननी है टीटीएस टीटी टन टन सुननी हाँ हाँ। मौला मेरा भी कर हो वे उते रहमत दी छावे, और इस पे कलाम भी बड़े लिखे गए बाद में, लेकिन चस ऐसे कलाम दीजिए। मौला मेरा भी घर होवे उते रहमत दी छा होवे, रहमत दी छा होवे। और बाद में मैंने एक मिसरा भी इसका बनाया था शाजी, के मदीने विच मौला घर होवे उते रहमण दी छा होवे, मदीने विच मौला घर होवे किदे किदे चाहिदा हाथ चुक के उते रहमण जा।
خوش خوش خوش